एवरीवन, आई एम जानवी। वेलकम टू माय चैनल जानवी डिवाइन हीलिंग। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आज आपके लिए मैजिक रेमेडी लेकर आई हूँ, मिरेकल रेमेडी, मैजिक रेमेडी, जो भी बोल दीजिए। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ हीलर चॉइस कार्ड, जिसके द्वारा आप अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, तो हम सबसे पहले समझते हैं हीलर्स क्या होते हैं और नॉन हीलर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, हीलर्स वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि ये चीज हम अगर करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेंगे। तो कोई योगा करता है, योगा से वो बेनिफिट पाता है, कोई मेडिटेशन करता रहता है, मेडिटेटर बन जाता है, कोई रेकी सीखता है तो रेकी ग्रैंड मास्टर हो जाता है, कोई टेरो रीडर बन जाता है। और फिर नॉन हीलर इन लोगों के पास जाते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई है तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। और ये सारे हीलर्स क्या करते हैं, उनकी रीडिंग करते हैं, उन्हें हील करते हैं और उनकी प्रॉब्लम से उन्हें दूर करते हैं, उन्हें सॉल्यूशन दे देते हैं। और जब हम नॉन हीलर के बारे में समझेंगे तो नॉन हीलर कौन होते हैं, जो जानते तो हैं सारे विजडम नॉलेज बट लेना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है हम क्या करेंगे लेके, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो वो दूसरों के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी, नॉन हीलर भी इन कार्ड्स को यूज करके हीलर बन सकते हैं। फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कार्ड्स आपके पास हैं, आप हीलर बन जाते हो। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, इन कार्ड्स के द्वारा सॉल्यूशन निकाल कर आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो इसमें 5 डेक होती है, 5 कार्ड्स के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 5 डेक के बारे में। फर्स्ट होती है लाइफ इन मंत्रा कार्ड्स, इसमें मंत्रा लिखे होते हैं, हर कार्ड्स पर मंत्रा लिखे होते हैं, हर कार्ड्स पर मंत्रा के ऊपर भगवान के फोटो बने हुए होते हैं, कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, बहुत सारे भगवान होते हैं। तो जब आप इन कार्ड्स को लेते हो और इन कार्ड्स की प्रोसेस समझ जाते हो कि कैसे यूज करना है, एक कार्ड में सारा प्रोसेस लिखा हुआ होता है कि इन कार्ड को आप कैसे यूज करेंगे, कैसे मेडिटेट करेंगे, कैसे इन्हें चार्ज करेंगे और फिर कैसे यूज करेंगे और कैसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो जो कार्ड, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपने मेडिटेट किया, प्रेयर किया, जो भी बताया गया उस कार्ड में, इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए होते हैं आप रीड कर लीजिए। और जो भी कार्ड आपके पास आता है तो आप समझ लीजिए कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन यही है, आपको इस मंत्रा को चैंट करना है। क्योंकि आपको पता है कि मंत्रा से भी हीलिंग होती है, मंत्रा से भी हम हमारी प्रॉब्लम से रिलीज हो सकते हैं, दूर कर सकते हैं उसको। तो लाइफ इन मंत्रा डेक को मंगवा के भी आप हीलर बन सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सेकेंड डेक होती है डिवाइन हेल्प। डिवाइन हेल्प में क्या होता है कि जो एंजल से कनेक्टेड है, जो एंजल के बारे में जानते हैं, वो इन कार्ड को मंगा सकते हैं। जैसे किसी ने एंजल थेरेपी कोर्स किया हुआ है, जैसे मैंने अभी मेरे चैनल पे भी फ्री एंजल थेरेपी कोर्स करवाया है, और जो एंजल से कनेक्ट होते हैं तो इस कार्ड को मंगवा के वो हेल्प ले सकते हैं कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो हम कौन सी एंजल से कनेक्ट करें, कौन सी एंजल से प्रेयर करें ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। और इसमें डिवाइन हेल्प माने एंजल के अलावा भी बहुत सारे इसमें मास्टर होते हैं और इसमें गुरु होते हैं, तो उनके फोटो बने होते हैं। सीधा अगर मान लो एक कार्ड में एक प्रोसेस भी लिखी होती है, हर डेक में एक कार्ड ऐसा मिलेगा जिसमें कार्ड को प्रोसेस, कार्ड को कैसे यूज किया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई होती है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो डिवाइन हेल्प डेक में भी आपको एक कार्ड ऐसा मिलेगा। जब आप ये सीख जाते हो प्रोसेस, तब आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम के लिए कार्ड आता है तो नीचे, अगर नीचे की तरफ आता है तो वहां पे आपको कुछ बना हुआ होगा, या तो गुरु बने होंगे या गॉड बने होंगे या एंजल्स बनी होंगी, तो आपको उनसे प्रेयर करना है, उनसे ही हेल्प लेना है। और अगर सीधा आएगा तो उसमें भी अलग फोटो आएगा, आपको मैं पीछे वीडियो भी सेंड करूंगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो आपके पास कार्ड आ रहा है उसमें जो भी उसका फोटो, उसका नाम दिखाई दे रहा है, बस वही आपकी
प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो उनसे ही आप हेल्प लेंगे। तो ये होता है सेकंड डेक डिवाइन हेल्प। आप हेल्प किससे हेल्प लें वो इन कार्ड के द्वारा जान सकते हैं। नंबर थर्ड डेक होती है कार्टोमेंसी। कार्टोमेंसी के भी कार्ड्स होते हैं, इसमें फॉर्चून टैलिंग करके लिखा हुआ होता है, आप वीडियो में जरूर देखिएगा, फॉर्चून टेलिंग लिखा होता है। इसमें भी प्रोसेस बताई जाती है एक कार्ड में, और इसमें मीनिंग्स भी रहते हैं, एलिमेंट्स भी रहते हैं, और यस और नो भी लिखा होता है। मीन्स अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो मतलब हमें कुछ काम करना हो तो हमें क्या करना हो, 50-50 आता है तो मतलब 50-50 में होगा, यस होगा तो हमें करना चाहिए, नो हो तो अभी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इस कार्ड के द्वारा आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर आपको कार्टोमेंसी के कार्ड मंगवाने हैं तो आप वो भी मंगवा के हीलर बन सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। थर्ड डेक होती है सॉल्यूशन थेरेपी, चूज थेरेपी। मींस जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो हमें कौन सी थेरेपी लेना चाहिए। जैसे बहुत सारी अनगिनत थेरेपी होती हैं, योगा, मेडिटेशन, बेस्ट फ्लावर थेरेपी, होम्योपैथिक्स, एलोपैथिक, तो एक्यूप्रेशर, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, अनगिनत होती है। लेकिन हमारी जो भी प्रॉब्लम चल रही, कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो किससे जाएगा, तो आप इन कार्ड को यूज करके पता लगा सकते हैं। एक कार्ड में पूरी प्रोसेस बताई जाती है कैसे चार्ज करना है, कैसे यूज करना है, उस कार्ड में हर थेरेपी का नाम लिखा होता है। जो कार्ड आपके सामने आएगा उसमें एक थेरेपी का नाम लिखा होगा। एग्जाम्पल, जैसे एक कार्ड आपके पास आया, सारे कार्ड में से एक ही कार्ड गिरा तो वही आपका सॉल्यूशन है, तो उसमें लिखा होगा होम्योपैथिक, तो आपको समझ जाना है कि मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके होम्योपैथिक टेबलेट ही लेना है। अगर उसमें लिखा होगा कि योगा, तो आपको योगा के द्वारा ही आपकी ये प्रॉब्लम जाने वाली है, तो आपको योगा के आसन वगैरह करने होंगे। तो इस तरीके से हर कार्ड में एक थेरेपी लिखी होती है, तो उस समय आप समझ लीजिए, आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी थेरेपी यूज करनी है ताकि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप ये थेरेपी वाले कार्ड भी मंगवा सकते हैं। लास्ट है हमारा रूट कॉजेस कार्ड्स। मीन्स रूट कॉज क्या होता है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसका एक रूट कॉज होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपके घर में बहुत सारा पानी भर गया है, और पानी भर गया है तो आप क्या करोगे, पानी निकालोगे कि नल बंद करोगे? तो सबसे पहले नल बंद करोगे। अब बहुत सारे नल लगे हुए हैं, कौन सा नल बंद करोगे जिसमें से पानी निकल रहा है? पानी निकालने तो नहीं बैठोगे, सबसे पहले नल बंद करोगे। लेकिन बहुत सारे नल है तो उसमें से भी ढूंढने जाओगे कि कौन सा नल बंद करना है। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो प्रॉब्लम आती है वो कहां से आती है, तो हमें वो फाइंड करना है, ढूंढना है। तो वो कैसे मिलेगा आपको, रूट कॉजेस कार्ड्स के द्वारा। उसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, एक आपको गाइड बुक मिलेगी, आप उसे पहले से ही रीड कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप कार्ड की प्रोसेस सीख जाते हो, और जो कार्ड आपकी प्रॉब्लम के लिए गिरता है आता है, तो उससे आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि आपका रूट कॉज क्या है, कहां से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप रूट कॉजेस कार्ड्स के द्वारा जान सकते हैं। तो ये होती हैं टोटल 5 डेक जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है। हर कार्ड में एक कार्ड ऐसा मिलेगा जो आपको पूरी प्रोसेस बताएगा, इन कार्ड को कैसे चार्ज करना है, कैसे मेडिटेट करना है, कैसे यूज करना है। तो आप इन कार्ड को यूज करके जो भी आपको पसंद है, जिससे भी आप अट्रैक्ट होते हैं, जिससे आप कनेक्ट होते हैं, वो कार्ड आप मंगवा सकते हैं, कोई भी एक डेक मंगवा सकते हैं और हीलर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो नॉन हीलर हैं, जिन्हें कुछ भी अभी नहीं पता केवल जानते हैं, वो जरूर इन सारे कार्ड डेक में से कोई एक डेक मंगवा सकते हैं और हीलर बन सकते हैं। आपको फिर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने कार्ड्स के द्वारा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। मैं मंत्रा से बहुत कनेक्टेड हूं, एंजल से कनेक्टेड हूं, तो मैं ये वाले कार्ड्स यूज करती हूं। आप अगर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो कार्ड्स कैसे मंगवाएं,
मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आएगा, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, आप मेरे बारे में बताएंगे कि मेरे द्वारा आपको ये कार्ड्स के बारे में पता चला था, तो आप वहां पे बात करेंगे, वहां पे आपको पूरा गाइड किया जाएगा इस डेक के बारे में, और फिर आपके पास कोरियर होके वो डेक पहुंच जाएगी। तो हीलर बनना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं मैजिकली, तो आप इन डेक को जरूर मंगवाएं। और पीछे वीडियो आएंगे ताकि आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सी डेक में कैसे कैसे कार्ड्स होते हैं और हमें क्या सॉल्यूशन वो देते हैं। ये हीलर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट वाले कार्ड्स हैं। जो हीलर्स हैं, जो टेरो रीडर हैं, वो रीडिंग करके लोगों की सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो भी इन कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो हीलर एंड नॉन हीलर दोनों ही इसे यूज कर सकते हैं। तो आर यू रेडी? आप मंगवाना चाहते हैं तो जरूर इस नंबर पे कॉल करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।